अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, और अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेफर्ड इन सिचुएशंस वेयर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि किसी चीज़ का प्राइस इतने परसेंट से इंक्रीज हो गया, या फिर किसी चीज़ का प्राइस इतने परसेंट से डिक्रीज हो गया, या फिर कुछ भी इस टाइप का जहाँ पर आपको परसेंटेजेस में इंक्रीज या डिक्रीज दिख रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको प्रेफर को करना होगा एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन को। ठीक है, ये जी मैं थोड़ा सा दिख रहा होगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की अगर बात आती है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग ज्योमेट्रिक मीन को चूज करोगे। ठीक है, टू फाइंड आउट द एवरेजेस। फिर उसके बाद क्या है, एंथ रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब इसका मतलब समझने के लिए हम यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और एक सिंपल सा कैलकुलेशन भी यहाँ पर दिखा दे रहा, सो दैट आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, यहाँ एन लिख दिया। अभी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में जो सीरीज दी हुई है, ठीक है, कितनी सीरीज दी हुई है, 1, 2, 3, 4, और ये एन वैल्यूज तक दी हुई है। ठीक है, तो जितना सीरीज होगा, मतलब सीरीज में जितने नंबर्स होंगे, वो आपका यहाँ पर रूट आ जाएगा, वो एंथ रूट बन जाएगा। अभी यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर हमने एन लिख दिया। ठीक, अभी एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे दो डिजिट है, ठीक है, एक है आपका 9 और एक है आपका 4। ठीक है, यहाँ पर दो डिजिट है। अब इसको हम लोग को बोला गया है कि आप इसका एवरेज फाइंड आउट करो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 × 4, और इसको हम लोग करेंगे अंडर रूट, और यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि स्क्वायर रूट। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्योंकि 4×9=36, यानी कि 9×4=36, और ये अंडर रूट है, यानी कि आपको 36 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और आपको पता होगा 6×6=36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन आपका 6 आ जाएगा। अभी देखिए, दो डिजिट हो तो आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, ठीक, तीन डिजिट हो तो आप क्यूब रूट निकाल लोगे, लेकिन जब तीन से ज़्यादा आपके जो डिजिट्स अगर यहाँ पर सीरीज में आपको दिखेंगे, 4, 5, 6, या फिर जितने भी आपको दिखे, तो उस टाइम पर ना ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और फिर वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होता है, लॉग और एंटी लॉग का। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सीरीज में दो डिजिट है तो स्क्वायर रूट लगेगा, तीन डिजिट है तो क्यूब रूट लगेगा, और तीन से ज़्यादा है तो लॉग एंटी लॉग वगैरह लगेगा। और अगर आपको कैलकुलेट बहुत अच्छा करने आता है और आपके पास कोई शॉर्टकट मेथड आपको पता है, तो फिर जैसे समझ लो 4 अगर डिजिट्स हैं तो यहाँ पर हो जाएगा n की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 डिजिट है तो n की जगह यहाँ पर 10 हो जाएगा, और अंदर यहाँ पर 10 डिजिट्स आपके लिखे रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि जितने डिजिट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, वही लिखा हुआ है, सेकेंड आइटम अगर दो आइटम रहेगा तो स्क्वायर रूट, तीन आइटम रहेगा तो क्यूब रूट, और उसके आगे फिर वैसे ही बढ़ता आप कैरी ऑन करते चले जाओगे। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, जितने भी आइटम्स हैं सीरीज में आपको सबको इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्स समझ लो ये सीरीज है तो यहाँ पर आप X3 को क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, आपको हर एक सीरीज को, मतलब हर एक आइटम को सीरीज के आपको कैलकुलेट करना है, मतलब इंक्लूड करना है। ठीक है, इसलिए लिखा गया है कि सीरीज के हर एक आइटम को आप ये इंक्लूड करोगे। ठीक है, लीस्ट अफेक्टेड बाई द एक्सट्रीम वैल्यूज, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, देखो एक्सट्रीम वैल्यूज़ से इफेक्ट तो होगा लेकिन लीस्ट अफेक्टेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा वो इसको स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट कर देगा ना, रूट के अंदर वो आ जाएगा। मान लीजिए 100 है, 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करें तो वो क्या हो जाएगा, 10, तो ये डिजिट अपने आप लो हो गया ना, मतलब अपने आप उसकी वैल्यू कम हो गई ना, तो इसलिए बोला गया है कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट तो होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम, लीस्ट अफेक्टेड। ठीक है, आगे देखते हैं, सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अब आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है
ठीक है, जिसके बेसिस पे अगर हम निकालेंगे तब भी वही आएगा, आप निकालोगे तब भी वही आंसर आना है, और कोई और निकालेगा तब भी वही आंसर आना है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि ये जो आपका है आपका ज्योमेट्रिक मीन, ये फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए, मैनिपुलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मतलब आप इस पर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, इस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है, फेथ कर सकते हो आप इसके आंसर पर। नेक्स्ट क्या है आपका, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, वही बात है, ठीक है, अगर हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन किसी भी सीरीज़ का तो भी वही आंसर आना है, आप निकालोगे तो भी वही आंसर आना है, कोई और निकालेगा तो भी वही आंसर आना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे ही हम लोगों को चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा उस सीरीज़ को, ऐसा नहीं है कि आप कोई और फॉर्मूला लगा लोगे, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला गया है, रिजिडली डिफाइंड, ठीक। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। चलिए अब हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन के बारे में। तो ये जो आपका हार्मोनिक मीन है ये बाकियों से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हम आप लोगों को चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते रहना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हार्मोनिक मीन यहाँ पर हम देख लेते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन इसमें इंक्लूड हो रहा है, बात ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा, मतलब समझ लीजिए अगर लिखा हुआ है 5/2, ठीक, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 2/5, मतलब 2/5 हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर हम अभी कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए दो डिजिट दिए हुए हैं, ठीक, एक दिया हुआ है आपका -3 और एक आपका दिया हुआ है -9, ठीक है, हमने नेगेटिव लिया है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि नेगेटिव, अभी एक आगे पॉइंट है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक। अब -3 और -9 हमारे पास दो डिजिट्स दिए हुए हैं और हम लोग को इससे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन मेथड, ठीक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या बोला, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो पहले इसका आप अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, ठीक है, दो डिजिट्स हैं, ठीक है, तो -3 प्लस यहाँ पर -9, ठीक, यही करोगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/-3 प्लस -9, ठीक, अभी ये कर दिए। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है, बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, मतलब अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 2 तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो -3 है, अगर हम बोले कोई भी डिजिट बोलते हैं, अगर हम 3 बोलते हैं तो 3/1 ऐसा हम लिख सकते हैं ना, तो अगर उसको रेसिप्रोकल करना होगा तो क्या होगा, तो रेसिप्रोकल यहाँ पर इन दोनों का भी करना होगा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1/-3, ठीक, प्लस 1/-9, ठीक। तो जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन करना होगा एवरेज फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अरिथमेटिक मीन मतलब वैसे लिखना पड़ेगा, फिर उसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, और फिर जो डिनोमिनेटर में जो आपके डिजिट्स दिए हुए हैं उसको भी आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। तो ये आपका होता है मेनली हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका, ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी वैल्यू ऑफ द सीरीज इज ज़ीरो, अगर यहाँ पर कोई भी सीरीज, ठीक है, ज़ीरो हो गई, ठीक। अभी जैसे मान लीजिए ये -3 नहीं था, ये आपका ज़ीरो था, ठीक है, तो ज़ीरो अगर यहाँ होता, ठीक है, यहाँ तक भी चलो सही है, डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, मतलब ज़ीरो का आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 ही होगा, ठीक है, और उसका मतलब इन्फिनिटी होता है, मतलब कुछ भी नहीं, या फिर आप कह सकते हो एन नंबर, ठीक है, और यहाँ पर एन वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो इसीलिए आपका ये बोला गया है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्यूट इफ़ एनी वैल्यू ऑफ द सीरीज विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
बट कैन बी कंप्यूटेड इफ एनी आइटम इज नेगेटिव, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, ठीक है. नेगेटिव होगा तो चल जाएगा, लेकिन आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, रिजिडली डिफाइंड, वही मतलब हुआ कि एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, ठीक है. अभी फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक. यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिख देंगे आपको, फिर आपको ध्यान रहना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक. तो रिजिडली डिफाइंड मतलब वो फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे तब भी वही आएगा, आप निकालोगे तब भी वही आएगा, कोई थर्ड पर्सन निकालेगा तब भी वही आना है आंसर. हाँ, वो अलग बात है अगर आप कुछ गलती अगर दो, ठीक है, वो आपका एक्सेप्शन केस है, ठीक है. कुछ गलती नहीं करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बस चीज़ों को पुट करते जाना है. फिर उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. इसमें भी वही है कि आपका सीरीज़ का हर एक डेटा, हर एक वैल्यू, हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है. ऐसा नहीं है कि किसी भी एक आप आइटम को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है. यहाँ पर आपको हर एक आइटम को इंक्लूड करना है, ठीक है. यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू. अब देखो, अगर आपका एवरेज स्पीड, एवरेज रेट या फिर एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे बेस्ट मेथड है एवरेज निकालने का, हार्मोनिक मीन. ये बात आपको एकदम, मतलब सबसे आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, फिर आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है. वही चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि अगर आपको एवरेज स्पीड कभी कहीं निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्मोनिक मीन लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो मतलब हार्मोनिक मीन सबसे ज़्यादा बेस्ट है इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए. ये तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट हार्मोनिक मीन निकाल दोगे, ठीक है. तो टोटल हम लोगों ने 5 एवरेजेस के बारे में पढ़ लिया, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई, ठीक है. इन केस कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली अपना डाउट लिखो, बिल्कुल भी शर्माओ नहीं, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल तुम्हारा है, ठीक है. कुछ अच्छा लगा तो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ लगा इम्प्रूवमेंट, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप सजेशंस देना चाहते हो, या फिर कोई और टॉपिक आपको कवर करवाना हो, किसी और टॉपिक की वीडियोस चाहिए हो तो भी आप बताइए. और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा प्रिपेयर करिए, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए और खूब सारा पानी पीजिए. थैंक यू सो मच.